नमस्कार। सो आज मैं बैठा हुआ हूँ इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, और मेरे साथ स्टूडेंट है तरुवर त्यागी। और जहाँ मुझे मैंने इसका सरनेम बताया, क्योंकि त्यागी लोग ब्राह्मण होते हैं, है कि नहीं जी सर? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बेटा तेरे को, ठीक है? बड़ा प्यारा बच्चा है। और देखिए, कुछ मिसकंसेप्शन मिसपरसेप्शंस होती हैं, और लेट मी पुट इट दिस वे, ईमानदारी से बोलूँ, मेरा भी पहला राउंड है इंटीग्रल में, और ये बेटा हमारा 2023 बैच में आया। और इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, ये वही बच्चा है जो श्री गुरु राम राय के स्टेट कोटा में फंस गया था, कि इसको स्टेट कोटा दिया गया उत्तराखंड का, लेकिन फीस मांगी गई ऑल इंडिया से, तो ये नहीं दे पाया, क्योंकि वो तो बहुत महंगा जा रहा था, 1 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर जा रहा था। तो इसने फिर डिसाइड करा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और हमने मिलकर फिर इंटीग्रल को चुना जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। और ये तो मैंने सुना ही था जब मैं लोगों से बात करता था, जो मेरे, सच बताऊँ तो एक इंटीग्रल के बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, मैं उनको नाम नहीं लूँगा, पर उनके बच्चों को मैंने पढ़ने ना यूक्रेन भेजा था आज से 4 साल पहले, जब ये वॉर वगैरह भी नहीं हुई थी। तो मैंने इंटीग्रल का बहुत नाम सुना था कि बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा। और आपको हमारे जो पीछे दिख रहा है, ये क्या है सर? ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। और अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा से घुमा के आपको, बल्कि बताएगी भी, तो एक बार दिखा दे ग्राउंड, बस पीछे से एक बार दिखा दो। आप पीछे ना बस ग्राउंड देखो, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। ये पूरा देख लिया आपने? ले आओ वापस। मतलब एक फुल साइज़ का फुटबॉल ग्राउंड है, क्योंकि ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी है। लखनऊ का जो मेन सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा 15 किलोमीटर बाहर है, बट लखनऊ शहर के अंदर है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तू बता, 1 महीना पूरा हो गया जी सर, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक? अभी तो सही, हर लिहाज से हाँ सर सही चल रहा है बिल्कुल। और मेरा भी पहले मिसकंसेप्शन था कि जैसे मैं नॉन मुस्लिम, तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि शायद कुछ अलग ना हो, मतलब यहाँ मुस्लिम कल्चर ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियरिटी है एंड सब अच्छे से रहते हैं। हाँ, पर जो मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, और जिसने हमारा कैमरा पकड़ा हुआ है, ये हम यही मिली है बहन, और ये भी बिना हिजाब के मुस्लिम लड़की बैठी हुई है, और इसने भी मेरे को बताया कि सर कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ देखिए, 2-5% जिन लड़कियों को खुद से शौक से पहनना है वो पहनो, बट कॉलेज की अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, राइट? यस सर। जो तेरी क्लास चलती है 150 बच्चों की, यस सर, उसमें कितने मुस्लिम हैं? उसमें 75 मुस्लिम सर। उसमें लड़कियाँ कितनी हैं? लड़की मतलब पूरा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 75 ही लड़कियाँ हैं। अच्छा, तुम्हारे मिला के, नॉन मिला के? हाँ नॉन मिला के। तो 50-50% है, तो उसमें कितनी है जो ऐसे हिजाब पहन के क्लास में आती है? 25 के आसपास पहनती है सर, पर बाकी नहीं पहनती, तो मुस्लिम बस। तो यही हम कहना चाह रहे थे। और खाना पीना हॉस्टल का? खाना पीना अच्छा रहता है, और अगर आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनके लिए अलग से है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से है। मैस का, मैस में भी फ़र्क है, ऊपर नीचे का रखा है। अच्छा, हाँ सर। तो जैसे प्योर वेज की मैस अलग हो गई, जिसमें नॉन वेज नहीं आएगा, वेरी नाइस। तो तू तो वेज, नॉन वेज खाता नहीं है, तो तू वेज वाले में जाता है? नॉन वेज वैसे कितने दिन बनते हैं हफ्ते में, जिन्हें शौक हो? 3 दिन बनते हैं, तो मज़ा आ गया जिसको खाना है। और रेट सेम, मतलब प्राइस कॉस्ट सेम देनी है? क्या टोटल क्या कॉस्ट दी हमने आने से के लिए? 16 लाख की तो फीस थी, 17 लाख की फीस थी, और हॉस्टल मेस 3 लाख हॉस्टल मेस। एसी है हॉस्टल में? हॉस्टल में एसी नहीं है, एसी है ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन है, लेगा तो फिर कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 60,000 पर ईयर। पर ईयर, तो अगले साल से ले लेगा तू भी कि नहीं? चलो, मतलब बिना एसी के 20 लाख का पड़ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया था 92-93 लाख का पैकेज पड़ेगा। और तो तुमने बता दिया कि पढ़ाई A1 है, हॉस्पिटल तो मुझे पता है कि इसका बहुत चलता हॉस्पिटल है, OPD भरा रहता है लगभग हमेशा। हाँ। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि खाली दिखाओ, बल्कि लाइन ही लगी रहती है, बाहर तक लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। तो एक्सपोजर की क्वालिटी की तो कोई कमी है ही नहीं, खाना पीना मस्त है। और तू तो खा नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ में नॉन वेज तो शानदार खिला रहे होंगे, तो जिसको खाने का शौक है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट? और जो मैं तभी इसको बुलाया, मैं कहीं इसके मुँह से सुनो, और मौका लगेगा थोड़ा सा हम उठ के भी दिखाएंगे, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है यहाँ, नॉन मेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, बी कॉम वगैरह भी होती है, फॉरेन से भी बच्चे हैं सर यहाँ, यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ऑस्ट्रेलिया रशिया वगैरह से बच्चे। तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो सामने से ग्राउंड में कोई टूर्नामेंट चल रहा है जो हम बैठे हुए हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब होती है ना, पॉजिटिव माहौल, जैसे जैसे मैं घुसा हूँ तरोवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तो शायद मौसम भी देखो अच्छा है, 30 अक्टूबर का डेट है, डे है, नाइस वेदर, पर मेरा मन कर रहा है बैठा रहूँ शाम तक, अगर बंदा खाली हो ना, कि कोल्ड ड्रिंक पिए जाऊँ और बैठा रहूँ, इतना सुंदर अच्छा साफ हवा है, तो हम दिल्ली से आ रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल पीस। और वही मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियाँ बेटियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहनें, कहीं कोई ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। तो तुझे मौज आ रही है, मज़ा आ गया है, मतलब यू डोंट रिग्रेट योर डिसीजन एट ऑल? नहीं सर,
पहले लग रहा था मेरे को, पर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ के बच्चों से मिला, आसपास टीचर से इंटरेक्शन हुआ, तो फिर लगा नहीं। मैंने सुना है फैकल्टीज भी काफी मिक्स है, कोई ऐसा नहीं है, कोई कोई ऐसी बातों पे भी आपको नहीं लगता कि कल्चर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट गाइस? तो देखिए यही मेरा पर्पज था, मैं लखनऊ विजिट में जब आया हुआ हूँ, क्वालिटी हम हमेशा कहते हैं ईरा इंटीग्रल आर टॉप ऑफ द ईरा, मैं अभी जाऊँगा, लेकिन खासकर जो मैंने बोला यूपी के नहीं है, और यूपी के भी जो हैं मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सर ये इंटीग्रल ईरा मत भरो, और ईरा मैं भी देखूँगा, लेकिन इंटीग्रल जो तरोवर बता रहा है, जो लाइव बच्चा है हमारा, और जो मैं देख रहा हूँ पिछले आधे पौने घंटे से, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये शायद मैं जनरली भी कहता हूँ कि हमें सोचना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात है कि यह माहौल भी नहीं है। तो आप तो ये देखो ना कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है 92 लाख के बजट में, और हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि सवा सवा डेढ़ डेढ़ करोड़ के पैकेज में जाते हैं, जहाँ एजुकेशन इससे ख़राब है, लखनऊ शहर के बीचों बीच, ये देखो बीचों बीच मतलब ये होता है कि मैंने समझाया था लखनऊ भी एक बड़ा शहर है, एक जो सेंटर पॉइंट होता है जो हस्तगंज कहा जाता है लखनऊ में, उससे थोड़ा सा ये 15-18 किलोमीटर बाहर है, बट लखनऊ सिटी की लिमिट्स में है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगी। ये तो तू तो अभी घूमने गया नहीं कहीं, तू बता रहा है, वैसे पापा भी डांटेंगे कि सर क्यों इसको इनकरेज करो घूमने के लिए, पर कभी कभी जाया कर भाई संडे संडे को तो। लेकिन जो मेन लखनऊ है वो बहुत दूर नहीं है यहाँ से, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके वो जो है विक्रम चलते हैं घूमने जा सकते हो संडे को मन करे तो, और वाइब्रेंट सिटी है लखनऊ, खाने पीने की मौज है, वेज खाओ नॉन वेज खाओ कल्चर बहुत शानदार है, और इट्स अमेजिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अमेजिंग यूनिवर्सिटी, और फिर मैं रिपीट करता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, सब मेडिकल कॉलेज इंडिया में सीटें भर जाती हैं, मेरा पर्पज़ सिर्फ ये होता है आने का, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आपके अगर 300 नंबर हैं तो आप 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके किसी राजस्थानी कॉलेज में जाओ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, और उसके मुकाबले यहाँ का जो बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रूम में कितने बच्चे, दो ही, एक ही बच्चे हैं सर, क्या बस सिंगल रूम पहले दिन से, हाँ सर, ये तो मुझे भी नहीं पता था, और वॉशरूम, वॉशरूम सर कॉमन, वो कॉमन है, पर रूम सिंगल पहले दिन से ही, शायद ये तो मैंने पहली बार सुना यार कि पहले दिन, और ये मतलब सबको दिया और थ्रू आउट रहेगा 5.5 साल, 5.5 साल तक, और 2-3 खास बात, ये तो मैंने रस्ते में वो भी देखा था, क्या मेरे को नजर आया था, स्पोर्ट्स का भी जिमनेजियम बहुत अच्छा अंदर, हाँ सर जिम इनकी खुद की कॉलेज की जिम है, हाँ इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको, 500 ही है एवरेज ही है, और बहुत अच्छी जिम है, अब अगर किसी को है इंटरेस्ट तो कर सकता है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, हाँ शाम के टाइम यहाँ पर स्पोर्ट्स चलते हैं, रात के 11 बजे तक आउटिंग भी है, अच्छा अवेलेबल कि अगर बच्चे को जाना है, और 10 बजे तक ये लाइब्रेरी भी खुली रहती है पढ़ने के लिए। तो भाई जो जैसे मैंने कहा वट एवर यू कैन एक्सपेक्ट इन ए गुड इंस्टीट्यूट दिस इज इंटीग्रल, तो दोस्तों भाइयों बहनों बिल्कुल भी उस सेक्टर को बीच में मत लाइए, और मैं तो ये कहूँगा जैसे इसने भी कहा कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो देखिए इस अच्छे इंस्टीट्यूट की 75 सीटें तो मुस्लिम्स के लिए हैं, फिर मैं अपील करूँगा कि जो यूपी के बाहर वाले भी हैं वो भी इस इंस्टीट्यूट को कंसिडर करो, और नॉन मुस्लिम्स बाकी 75 सीटें बिल्कुल मत छोड़ो, आप ये मान के चलिए कि हम क्वालिटी की बात करें तो ये डेफिनेटली यूपी के टॉप 10 में तो आएगा ही आएगा, शायद टॉप 7 में भी आ जाए, और नॉर्थ इंडिया के भी टॉप 30 में पक्का आएगा, और जो मैं हमेशा कहता हूँ ये इसका अस्पताल भी कुछ चलता हुआ है, हाँ। जैसे तरोवर ने बताया ओपीडी में लाइनें लगी रहती हैं, लोग यहाँ आते हैं गेट के बाहर, मैंने केमिस्टों की दुकानों की लाइन देखी थी, तो ये एक चलता हुआ अस्पताल है जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, इनको बसें नहीं भेजनी पड़ती यू नो गौतम बुद्धा की तरह और झज्जर की तरह और एनसी की तरह है, तो और मैं क्या बोलूँ, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, और 2024 के लिए इसको ज़रूर अपने टॉप लिस्ट में रखिएगा, ओके बाय 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 बाय।